बीजेपी विधायक के पार्टी के नेतृत्व विहीन वाले बयान पर गरमाई सियासत। मंत्री रामप्रीत पासवान ने की कार्रवाई की मांग, तो प्रदेश अध्यक्ष ने बयान को बताया निराधार। बिहार में रही तमरा हत्या का सिलसिला, नालंदा में अपराधियों ने जेडीयू कार्यकर्ता को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। बिहार में फिर खुली शराबबंदी की पोल, सिवान में उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर पुलिस ने दो तस्कर को किया गिरफ्तार, मौके से शराब की बोतल भी बरामद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 65वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश कर रहा नमन, राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। ज्ञानू पर कार्रवाई कब? बिहार में बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाया। विधायक ने कहा कि बिहार में बीजेपी नेतृत्व विहीन है, जिसके बाद से बीजेपी के ही कई नेता ज्ञानू के इस बयान पर पलटवार करते दिख रहे हैं। और इसी कड़ी में बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री रामप्रीत पासवान ने बीजेपी विधायक के दिए बयान पर निंदा प्रकट की है। रामप्रीत पासवान ने कहा कि बीजेपी विधायक का दिया हुआ बयान बिल्कुल गलत है, उन पर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। होता है नेतृत्वहीन, कहीं पार्टी चला है, कहीं देखे आप लोग व्यक्तिगत विचार है, मंत्री सब घुसखोर हैं बीजेपी में, सब ठेकेदार को बना दिया गया है। अब इनके कहने से थोड़े कोई कोई साबित है, साबित करे ये जो कह देंगे सो हो जाएगा। ऐसी बात करने वाले पे पार्टी कार्रवाई करने निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस बीच पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के बयान पर निंदा प्रकट की। उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन के आधारित पार्टी है और इसके एक एक कार्यकर्ता इस संगठन को चलाते हैं, इसलिए इस तरह का बयान उचित नहीं। बाबा साहब आंबेडकर जी के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, बाबा साहब की जो सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, अति पिछड़े के बच्चों को आगे बढ़ाएं, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं वही बाबा साहब के प्रति सचिव। बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है, भाजपा में कार्यकर्ता ही नेतृत्व करता है और भाजपा में केवल और केवल कार्यकर्ता ही संगठन चलाता है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हैं, तो दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के विधायक इसकी पोल खोलते दिख रहे हैं। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे अपनी ही पार्टी के सांसद अजय मंडल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में गोपाल मंडल ने तंज कसते हुए कहा कि यहां जो ट्रैक्टर पर दारू भेजते हैं और अफीम की खेती करते हैं वो हमारे सांसद हैं। वोट दीजिए, सगे संबंधी से दिलवाइए, जगह जगह जाइए, अपने संसाधन से प्रचार के लिए इनको भारी मतों से चुनाव जिताइए, अध्यक्ष बनने इनको, और वहां खेल होता है। अभी देख लीजिए बीपीए मंडल को पैसा भेज रहा है भागलपुर से, किसी तरह चुनाव नहीं। ये बिनावा में छोटा ऐसा बस्ती 200-300 करोड़ बूथ 50,000 दे दिया, 8 क्विंटल करते करते आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जगह पर आया हूं, इसलिए मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। ये क्रांतिकारी नेता इतना लोगों ने भाषण दिया, श्वेता दरे को नहीं भूलिएगा और यहीं तक मत रखिएगा, जगह जगह जाइए चर्चा कीजिए, रेल इंजन सविता देवी, रेल इंजन सविता देवी, वोट दीजिए, सगे संबंधी से दिलवाइए, जगह जगह जाइए, अपने संसाधन से प्रचार के लिए इनको भारी मतों से चुनाव जिताइए, अध्यक्ष बनने इनको, और वहां खेल होता। अभी देख लीजिए बीपीए मंडल को पैसा भेज रहा है भागलपुर से, किसी तरह चुनाव नहीं। ये बिनावा में छोटा ऐसा बस्ती 200-300 करोड़ बूथ 50,000 दे दिया, 8 क्विंटल। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन से सतर्क रहने के लिए सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है, तो वहीं ओमिक्रोन के मद्देनजर बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर काम कर रही है। और इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सूबेवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार गंभीरता से इस मामले पर नजर बनाए हुए है, लेकिन फिर लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है। देखिए लगातार कोरोना संक्रमण का दो फेज का सामना पूरा देश किया और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना से देशवासियों को बचाने के लिए जो संभव है उन्होंने की है, और बिहार की सरकार भी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेहतर काम की, आम जनों तक उस टीका को पहुंचाने में हमारी सरकार सक्षम हुई है।
और जो ये तीसरे वेव की बात चल रही है और वास्तव में चिंता का विषय तो है, लेकिन हम सब सतर्क हैं और हमारे जो सारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, हमारी सरकार सतर्क है और इस वेव से बिहार के लोगों को हर तरह से हम सब सुरक्षित रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 65वीं पुण्यतिथि आज है। पूरा देश बाबा साहेब को नमन कर रहा है। आपको बता दें कि बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने और गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के उत्थान के लिए अर्पित किया। इसलिए आज के दिन उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज उनकी 65वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर तस्वीरों में देख सकते हैं आप, देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद हैं और तमाम दिग्गजों ने बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज मनाई गई है, तो राजकीय समारोह में शामिल होने के लिए बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मौके पर पहुंचे और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप, बिहार में भी बाबा अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई और इस मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम और तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे और इस पुण्यतिथि के अवसर पर राजकीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो आपको बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज 65वीं पुण्यतिथि पूरा देश मना रहा है। देश में बाबा अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और इसको लेकर बिहार में भी संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई और इस मौके पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने बाबा अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पटना की बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 65वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सहित कई नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन की व्यवस्था की जाए। संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है और देश इस मौके पर उन्हें याद कर रहा है। इस बीच रोहतास जिले के विभिन्न जगहों पर अन्य संस्थानों और संगठनों ने बाबा अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं रोहतास में भी सासाराम में कलेक्ट्रेट परिसर में बाबा अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई और इस दौरान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सहित तमाम लोग यहां पर मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाबा अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई है। सबके बस की बात नहीं है, जो आसन है या राष्ट्रपति का नाम है जो भी है वो सब उनके ही पर है और
हम सभी को उनके अनुसार। नालंदा जिले में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव दिख रहा है। आए दिन अपराधी अपने मंसूबे को अंजाम देने में लगे हैं और ताजा मामला एकंगरसराय थाना क्षेत्र का है, जहां बैदराबाद पंचायत के फगुनीपुर निवासी जेडीयू कार्यकर्ता को अपराधियों ने गोली मार दी। बता दें कि प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में चिंटू महतो को पटना रेफर किया गया, जहां निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जदयू कार्यकर्ता चिंटू महतो रविवार की देर शाम अपनी बाइक से गांव की ओर जा रहे थे और इसी दौरान पूर्व में घात लगाकर बैठे अपराधियों ने बेलदरियापुर मोड़ के पास ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हालांकि घटना का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नालंदा जिले में यह घटना घटी है। जेडीयू कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई है और ये वो जिला है जहां से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं और नीतीश कुमार के गृह जिला में जेडीयू के कार्यकर्ता को गोली मारी गई है। हालांकि इस पूरे घटना का स्पष्टीकरण अब तक सामने नहीं आ पाया है कि किस कारण जेडीयू के कार्यकर्ता चिंटू महतो को गोली मारी गई, लेकिन इस घटना के बाद से पुलिस को एक बार फिर से अपराधियों ने चुनौती दी और उसके साथ साथ यह सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है कि आखिर इस तरीके से जो लगातार बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, दिन ब दिन कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है और ऐसे में नालंदा में ये पूरी घटना घटी है। नालंदा वो जिला है जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां से आते हैं, ये सीएम नीतीश का गृह जिला है और यहीं पर अपराध एक बार फिर चरम पर। जेडीयू के कार्यकर्ता चिंटू महतो को गोली मारी गई है, तो आखिर कब थमेगा अपराध? ये सवाल लगातार डीटीवी भारत भी पूछ रहा है, लगातार बिहार की आवाम पूछ रही है सरकार से कि अपराध आखिर कब थमेगा। हत्या का सिलसिला लगातार बिहार के 38 जिलों में जारी है और ऐसे में यह ताजा मामला एकंगरसराय का है। इस थाना क्षेत्र में जेडीयू के कार्यकर्ता जब बाइक से अपने घर लौट रहे थे रविवार की देर शाम, उस वक्त पूर्व में घात लगाकर बैठे अपराधियों ने बंदूक से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें पटना रेफर किया गया, जहां निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नालंदा से सहयोगी ऋषिकेश फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, सीएम के गृह जिला में इस तरीके के वारदात सामने आ रही है। हेलो जी ऋषिकेश, सुन पा रहे हैं जी? कैसा सवाल दो रहा है? मुख्यमंत्री के गृह जिला में इस तरीके की वारदात चुनौती है? ये बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह जिले में पंचायत चुनाव थम गया हो, लेकिन अपराधियों का मनोबल नहीं थमा है। जिसका जीता जाता उदाहरण रात की घटना है। ये जो जदयू कार्यकर्ता है चिंटू महतो, अपने मोटरसाइकिल से अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी बेलदरिया पर गांव के पास पूर्व से घात लगाया अपराधियों ने, धनाधन इनके ऊपर 4 गोलियां दागी, जिससे इनकी ये गंभीर हालत में इनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए इन्हें पटना रेफर कर दिया। लेकिन जैसे ही उनकी अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया जी। इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? रविवार देर शाम की यह घटना है, सोमवार की दोपहर बीत रहा है, क्या अब तक इस पे कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा? देखिए, वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो इनके समर्थक हैं और आसपास के जो इलाके के लोग हैं, वो इस घटना से काफी क्षुब्ध हैं और आक्रोशित भी हैं। मैं आपको ताजा अपडेट बता दूं कि सब पहुंचते ही गांव ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है और उनकी सीधी मांग है कि इस घटना में जो भी अपराधी शामिल है उनको त्वरित गिरफ्तार करके उसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए। ऋषिकेश, अगर देखा जाए तो आम आदमी की तो हत्या बिहार में हो रही है लगातार, हम खबरों में भी देख रहे हैं, लेकिन अब नेता और कार्यकर्ता भी इससे पीछे नहीं, वो भी सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता को मारा गया है। देखिए, अभी तक जो जेडीयू कार्यकर्ता है ये काफी नीतीश कुमार सच्चे कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनको कई कार्यक्रमों में इनको देखा भी गया है, लेकिन इनकी हत्या किस कारणों से की गई है अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि इस मामले में अभी तक कोई भी, चाहे परिजन हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे स्थानीय ग्रामीण हो, किसी ने भी अभी इसके सामने खुलकर कोई बात करने को तैयार नहीं है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश उस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो कोई भी इस मामले में अभी बोलने से कतरा रहा है, लेकिन ये एक चुनौती है, अपराधियों ने एक बार फिर प्रशासन को चुनौती दी है, सरकार को चुनौती दी है, जहां हत्या का सिलसिला थम नहीं रहा। नालंदा के एकंगरसराय थाना क्षेत्र में जेडीयू के कार्यकर्ता चिंटू महतो को गोली मारी गई।
6 नवंबर से लेके बीच में बार बार ये बाउंड्री के चलते, जो कि उनसे कोई मतलब नहीं था, और हम समाज के चलते पूरे समाज का मोहल्ला का वो रास्ता है जिसको अतिक्रमण सुनील कुमार जो दिल्ली में उसकी पत्नी है वो आके करता है, और उसका भाई कमलेश कुमार है, और उसी जगह के और उसका दलाली थाना में करके साजिश रचने वाला राकेश कुमार, उसकी पत्नी रीता या गीता नाम है जो सीआईडी में है, धौंस जमा के थाना को मैनेज करके थाना को 15,000 रुपया दिया थाना प्रभारी को, जो कि पूरे एकंगर से जानता है, अंचलाधिकारी को उस संजीव उसका चालक उसके द्वारा मैनेज किया। चलिए बड़े इन खबरों में आगे। सिवान में दो ऐसे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है जो उत्तर प्रदेश से शराब को शरीर में छुपाकर बाइक से बिहार ला रहे थे, तभी मैरवा पुलिस ने उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर के पास दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने एक बाइक के साथ 65 पीस शराब की बोतल बरामद की है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक नया तरीका शराब तस्करों ने ईजाद किया है, शरीर में शराब की बोतलों को छुपाकर ये उत्तर प्रदेश से बिहार आ रहे थे, और उसी वक्त यूपी बिहार के बॉर्डर पर सिवान में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी मात्रा में यहां पर शराब भी बरामद की गई है, दोनों शराब तस्करों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। तो शरीर में शराब छुपाकर उत्तर प्रदेश से बिहार ये शराब तस्कर आ रहे थे, और इसी वक्त बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पर पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की, और इस कार्रवाई में दोनों शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए। आप देख सकते हैं यह चुनौती है, जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को पूर्ण रूप से सफल बनाने में लगे हैं, तो दूसरी ओर जो बॉर्डर के एरिया है वहां पर इस तरीके से शराब तस्कर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिवान से संवाददाता साहिल फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल, शराब तस्करों ने एक नया तरीका ईजाद किया है और दोनों ही पकड़े गए हैं। मामला सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र के धरने छापा चेक पोस्ट की है, इलाका यूपी और बिहार से सटा हुआ है, जहां पुलिस ने ऐसे दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है जो शरीर में शराब बोतल टेलो टेप से छाट कर छुपा कर शराब तस्करी के इस्तेमाल कर रहे थे। दोनों युवक सिवान के जीरादे की फिलहाल पुलिस गिरफ्तार दोनों शराब तस्करों से इन्होंने कोई अधिक जानकारी साहिल इन्होंने जो पकड़े गए दोनों तस्कर हैं क्या इन दोनों ने कोई अधिक जानकारी भी साझा की है कि किस तरफ उत्तर प्रदेश में जो उस तरफ से ये शराब लेकर बिहार में तस्करी के लिए ला रहे थे क्या इन्होंने अपने सरगना का खुलासा किया? देखिए दोनों शराब तस्करों को पुलिस कड़े रूप से पूछताछ कर रही है ताकि इसमें संलिप्त अन्य लोगों को गिरफ्तारी किया जा सके। इसमें और जो लोग संलिप्त है उनकी जांच पड़ताल और पहचान की जा रही है। इन दोनों शराब तस्करों से पूछताछ की अभी जांच चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो सिवान से सहयोगी साहिल इस खबर पर अधिक जानकारी हमें दे रहे थे। उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर सिवान में जीरादेई के पास ये पूरी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। रोहतास जिले में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण को लेकर जिला परिवहन विभाग ने वाहन जब्ती की कार्रवाई जारी रखी है। रोहतास जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण चंदन के नेतृत्व में सासाराम में विभिन्न जगहों पर पंचायत चुनाव को लेकर वाहन जब्ती का कार्रवाई किया गया, और इस दौरान कई वाहन को भी जब्त किया गया है। गया जिले के मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के खराटी गांव में गरीब महिला और पुरुषों को बैंक से लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई। दरअसल पैसे देने वालों को न किसी बैंक से लोन मिला, न ही ठगी करने वाली महिला लोगों के पास पैसे वापस आए। वहीं ठगी की शिकार हुई शेखवारा पंचायत की दर्जन भर महिलाएं मगध यूनिवर्सिटी थाना पहुंची और न्याय की गुहार लगा रही है। महिला आई है कि खराटी के सवासिन एक लड़की है, मेरी चाची की बेटी है, लोन के नाम पे सब पे 5,000 10,000 रुपये ले लिया गया, ठीक है, 30,000 रुपया। और लोन के टाइम पे उस लॉकडाउन था, लॉकडाउन के टाइम में टाइम बढ़ाते 5 से 10 को ले लिया, उसी टाइम और पैसा सबसे लेता, 40-50 को कर दिया, वो 60 को लाम सब खराटी से लिया गया पैसा, किसी को लोन नहीं पास करवाया। क्या भी लोन पैसा लिया गया है? ये लॉकडाउन था ना उस टाइम पैसा लिया गया। बात करते हैं मौसम की। बिहार में आज मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। दरअसल बिहार में बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान जवाद का असर होगा। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा और इसकी वजह से बादल छाए रहेंगे, तो वहीं कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवातीय प्रभावों का असर कम होते ही प्रदेश में ठंड बढ़ जाएगी और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है।
फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, या मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीटीवी भारत, नमस्कार।